हेलो एवरीवन, आज है 9th of May 2024 और जैसा कि आपको पता है कि हम डेली द हिंदू और उसके साथ साथ जितने न्यूज़पेपर होते हैं जिनके अंदर जो भी हमारे एग्जाम से कंसर्न न्यूज़ होती है उसको हम पढ़ते हैं, उसका फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं। तो उसी सीक्वेंस में हम उनका 20 क्वेश्चंस का डेली उसका रिवाइज भी करते हैं। तो चलिए द हिंदू से निकाले गए 20 क्वेश्चंस को हम यहाँ पर एक बार उनका फैक्चुअल स्टडी कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ द वेस्ट नाइल फीवर। देखो ये जो एक फीवर है, एक बुखार चल रहा है जिसका पूछा गया है कि रीजन क्या है। देखो ये जो नाइल फीवर है ना, ये बेसिकली कहाँ पर आया है, तो केरल। और मैंने आपको कई बार बताया है कि जब भी कोई नई डिजीज आती है हमेशा केरल में मिलेगी। जीका वायरस देख लो, इबोला देख लो, है ना, COVID-19 देख लो, ठीक है। तो ये आप याद भी रख सकते हो इसको कि केरला उसका आंसर हो सकता है, कभी ना भी पता हो तो जस्ट याद करने के पर्पज से। और ये नाइल या नील फीवर क्या है, तो समझना कि एक जो मच्छर होता है, ठीक है, उस मच्छर का काम क्या है, उसके एक देखो बेसिकली एक वायरस होता है, वो जो मॉस्क्यूटो होता है उसका जो सलाइवा होता है उसके अंदर मिक्स हो जाता है। फिर जब मच्छर इंसान पे बैठता है और इंसान को काटता है या जब उसके अंदर इंजेक्ट करता है, तो उससे होता क्या है कि उसका जो सलाइवा था या उसकी जो लार थी उसके साथ साथ वो जो वायरस है वो हमारी बॉडी में चला जाता है और हमें बीमार कर देता है। तो पूछा गया है कि रिसेंटली न्यूज़ में था, बिल्कुल था, केरला में केस आ रहे हैं इसके, ठीक है। तो किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से। बैक्टीरियल इन्फेक्शन अलग होता है, प्रोटोजोआ इन्फेक्शन अलग होता है, फंगी इन्फेक्शन अलग होता है, वायरस इन्फेक्शन अलग होता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच डे इज ऑब्जर्व एज द वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड द रेड क्रेसेंट डे। तो कब मनाया जाता है, 8th of May हम सेलिब्रेट करते हैं किसके नाम से, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। क्या होता है, आपने देखा होगा रेड क्रॉस सोसाइटी बनी होती है, उसमें क्या होता है कि जो हैंडीकैप लोग होते हैं, जो फिजिकली डिसेबल्ड लोग होते हैं, उनको सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं, जैसे कि उनको साइकिल दे दी, आजकल ई व्हीकल्स का कॉन्सेप्ट आ गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रेड क्रॉस करने का काम करता है, उनको जो पार्ट्स होते हैं बॉडी पार्ट्स, किसी का हाथ नहीं है उसको आर्टिफिशियल हाथ लगा दिया, ये सब काम करने का काम करता है कौन, रेड क्रॉस सोसाइटी, ठीक है। तो कल परसों इसका क्या था, डे था 8th of May। इसकी थीम क्या थी ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। पायरेनीज माउंटेन्स, ये आज ही हमने द हिंदू में पढ़ा था, पायरेनीज माउंटेन किस किस के बीच में। अगर आपने उसको द हिंदू को पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर इजीली कर सकते हो। राइट आंसर कौन सा हो गया, तो आपका किस किस के बीच में, स्पेन एंड द फ्रांस, उसके बीच में एक माउंटेन रेंज बनी हुई है जिसका नाम है पायरेनीज, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। व्हाट इज द लेबर कॉन्जेंशियल या कॉन्जेनिटल अमाउरोसिस रिसेंटली सीन इन द न्यूज। देखो है क्या, एक्चुअल में एक आई डिसऑर्डर है, हमारी जो आंख होती है उसके अंदर जो रेडनेस आ जाती है उसका एक जेनेटिक, रेयर जेनेटिक आई डिसऑर्डर है जिसका नाम है लेबर कॉन्जेनिटल अमाउरोसिस, ठीक है। तो ये लोगों में बढ़ रहा है और ये कैसा, एक जेनेटिक है, जैसे आपने नाम सुना होगा कैटरेक्ट, है ना, उसके अंदर आँख के अंदर जो हमारी आँख के अंदर एक लिक्विड होता है, वो लिक्विड क्या करता है, धीरे धीरे हमारे शरीर में जो कमी होने लगती है न्यूट्रिशंस की या जो भी उसका डिसऑर्डर होता है उससे ये जो प्रोटीन है ये जमना शुरू हो जाता है, थिक हो जाता है, और जैसे थिक हो जाता है तो लेंस के ऊपर आ जाता है, जो बीच में लेंस बना हुआ है हमारा ब्लैक ब्लैक आँख में, जब इसके ऊपर आ जाएगा तो एक धब्बा बन जाएगा, जैसे मेरे चश्मा पे मान लो यहाँ धब्बा बन गया तो मुझे दिखेगा ही नहीं, ऐसे ही मेरी आँख के अंदर लेंस पे क्या बन जाएगा, धब्बा। उसको हटाने के लिए क्या होता है, कैटरेक्ट का ऑपरेशन होता है। तो सेम ऐसे ये भी एक रेयर डिजीज है, किसकी, आई डिसऑर्डर, इसको याद रखना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, ग्लाइप्टोथोरैक्स पुनिया ब्राताई, ये भी न्यूज में देखा गया था, किसकी स्पीसीज है, तो याद रखना ये कैटफिश है, ठीक है, ये कैटफिश की स्पीसीज है, तो सिंपल वन लाइनर में आप याद कर सकते हो। वेयर हैव रिसर्चर्स रिसेंटली रिकॉर्डेड वाइड स्प्रेड कोरल ब्लीचिंग, ये भी हमने द हिंदू में पढ़ा। कोरल ब्लीचिंग क्या होती है कि जो कोरल रीफ होता है उसके ऊपर एक लेयर बनी होती है जूनोथैलेमिया, उसका जब हाई टेम्परेचर की वजह से जब उसका डिग्रेड होना शुरू हो जाता है डिग्रेडेशन, तो जो कोरल होती है वो डेड हो जाती है, तो उसको ब्लीचिंग कह देते हैं। जैसे हम अपनी बॉडी पर ब्लीचिंग करवाते हैं ना, तो पूरा जो फेस होता है वाइट वाइट हो जाता है, जितनी गंदगी होती है सारी निकल जाती है, सेम वहाँ पर उसका ब्लीचिंग कर देना, इससे ओशियंस को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, साइक्लोन्स बहुत ज़्यादा बनेंगे, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना, ये सारी कंडीशन हम पढ़ चुके हैं हिंदू के अंदर। तो ये कहाँ पर देखा गया, लक्षद्वीप के अंदर। सबसे बड़ा कोरल रीफ कहां पर मिलता है, तो याद रखना ऑस्ट्रेलिया, जिसका नाम क्या है, ग्रेट बैरियर
रीफ, तो कई बार ये भी पूछ लेता है ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर मिलता है, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर मिलता है सबसे बड़ा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 7, When was the 65th foundation day of the BRO, Border Road Organization? तो याद रखना 7th of the May 1960, फादर कौन है इसका, बनाने वाला कौन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको बनाया था, जो हमारी बॉर्डर कंट्रीज है उनके ऊपर ट्रांसपोर्ट अच्छा हो सके, कल को लड़ाई हो जाए तो हम अपने वेपन्स इजिली पहुंचा सके, आर्मी जा सके, है ना, फैसिलिटीज मिल सके। तो BRO एक डिपार्टमेंट बना था, पहले किस मिनिस्ट्री में था ये तो याद रखना, बॉर्डर या रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री थी। आज के दिन ये किसकी मिनिस्ट्री के पास है, तो इसकी मिनिस्ट्री है याद रखना डिफेंस मिनिस्ट्री, आज ये डिफेंस मिनिस्ट्री के पास है, ठीक है। तो ऐसा मत कर देना रोड की बात हो रही है तो ट्रांसपोर्ट के पास होगा, नहीं, आज के दिन ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का पार्ट है, ठीक है। 7th ऑफ द मे 1960 को बना होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, हु विल लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट सीएनजी पावर्ड मोटरसाइकिल, कौन लॉन्च करेगा मोटरसाइकिल जो सीएनजी से चलेगी, बजाज, है ना, हो सकता है प्लेटिना भी तुम्हें देखने को मिल जाए, पहले ही प्लेटिना 70 से ऊपर की एवरेज देती है, और अगर गलती से उसमें ये लग गया क्या बोलते हैं सीएनजी, तो तुम समझ सकते हो कि 150-200 किलोमीटर की रेंज मिलेगी, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट कौन सा है, Which has recently emerged as the best trading platform in India? तो याद रखना ना ही अपस्टॉक है ना ही एंजल वन है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, क्वांट पावर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, Who has recently been appointed as the CEO of the Paytm Money? Paytm के बारे में तुमने सुना होगा कि जो पेटीएम है उसका जो सीईओ है ना, उसकी जो पेमेंट ऐप जो था बैंक था वो बंद हो गया था, काफी दिन से न्यूज में था, तो इसका रिसेंटली पेटीएम मनी का जो सीईओ है वो किसको बनाया गया, तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए राकेश सिंह इज द राइट आंसर, वन लाइनर है। उसके बाद हु हैज रिसेंटली वोन द ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर अवार्ड, किसको मिला है 2024 का, तो याद रखना भावी मेहता, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट, Recently India and the which country have signed the local currency settlement system, तो किसके साथ हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी दैट इज नाइजीरिया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उसके बाद चलते नेक्स्ट, वेयर वॉज द 26th आसियान इंडिया सीनियर ऑफिशियल्स मीटिंग, कहां पर हुई, तो न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। Which of the following country is the first in onion या onion production, यानी प्याज के production में पहले पे कौन है, तो China, दूसरे पे कौन आता है, तो याद रखना इंडिया, पहले नंबर पे चाइना आता है प्याज की प्रोडक्शन में, ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है, अच्छा प्याज वाली न्यूज क्यों आ गई थी, क्योंकि डिमांड हो रही थी कि मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस होना चाहिए, कम से कम अगर मैं प्याज उगाता हूँ और फिर उसको मैं स्टोर कर लेता हूँ तो मेरे पास एक मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस होना चाहिए, इस प्राइस में मैं इसको एक्सपोर्ट कर पाऊँ, ठीक है, ताकि मेरा भी बेनिफिट हो सके, तो वो न्यूज बनी हुई थी। कैंसर कैपिटल ऑफ वर्ल्ड किसे कहा जाता है, तो देखो सबसे ज्यादा कैंसर कहां पर होता है, सबसे ज्यादा कैंसर के केस इंडिया में बढ़ रहे हैं, ठीक है, 2020 के आसपास ही 1.4 मिलियन थे, 2025 आते आते ये लगभग 1.56 मिलियन हो जाएंगे, ठीक है, पर ईयर के केस बता रहा हूँ। तो इन केसों की सबसे ज़्यादा डिमांड, सबसे ज़्यादा सॉरी इंक्रीमेंट कहाँ पे हो रहा है, इंडिया, तो इंडिया को क्या कहा जाता है, कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, और ये किसने कहा है, अपोलो हॉस्पिटल की स्टेटमेंट है, ध्यान रखना अपोलो हॉस्पिटल इंडिया को कैंसर कैपिटल ऑफ वर्ल्ड के नाम से बुलाता है। उसके बाद समझना, When was the Committee for the Environment Protection formed? कब बनी थी, तो याद रखना ये 1991 में, ये न्यूज़ कहाँ से आ गई, जो अंटार्कटिका के अंदर जो हम बना रहे हैं ना बेस, उसके वहां से, जो हमने द हिंदू में पढ़ी थी। उसके बाद नेक्स्ट, Which planet is known as the hottest planet of the solar system? तो ये मत समझना सबसे पास वाला, सबसे पास मरकरी है लेकिन वो नहीं है, तो वीनस इज द हॉटेस्ट प्लेनेट, ठीक है। और अगर पूछे दिन में सबसे ज्यादा हॉटेस्ट तो मरकरी, रात में सबसे ज्यादा ठंडा तो मरकरी, और ओवरऑल सबसे गर्म तो वीनस, ओवरऑल सबसे ठंडा तो नेपच्यून, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, सिनकुल्ला पास किस किस को कनेक्ट करता है, हिमाचल प्रदेश को, तो आपके हिमाचल प्रदेश को कनेक्ट करता है लद्दाख से, ठीक है, ये भी न्यूज में था, सिनकुल्ला पास या सिनकुल्ला टनल भी बनाई गई है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, Who is known as the founder of the Border Road Organization? ये हमने द हिंदू में पढ़ा था, अभी मैंने बता दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। BRO was formed, कब बनी थी BRO? 7th of the May 1960, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आई थिंक आज के लिए इतना ही था, 20 क्वेश्चंस, आई होप कि आपको समझ में आए होंगे, मैक्सिमम हमने द हिंदू में पढ़ लिए थे, तो हम जस्ट इसकी प्रैक्टिस करते हैं कि जो हमने पढ़ा उसी के क्वेश्चंस लग गए, तो हमें दो बार चीजें याद हो जाएं उस पर पद से, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं दोबारा से नेक्स्ट टाइम, ओके बाय बाय, थैंक यू।